कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाने में लगातार सभी दलों से दो हाथ आगे निकलती जा रही है। एक तरफ जहां उसने कई ऐसे चेहरे को कांग्रेस में जोड़ा जिसे लेकर के महागठबंधन की के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी असर पड़ा और यहां तक कहा गया कि ऐसे लोगों की महागठबंधन में एंट्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा और कांग्रेस लगातार उन लोगों को अपने रैली और अपने पार्टी में तरजीह दे रही है और इसके साथ ही वो शख्स भी कांग्रेस को लेकर के काफ़ी सकारात्मक रुख रखे हुए हैं। मैं बात अनंत सिंह की करूं तो अनंत सिंह ने लगातार 200% तक कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कहा है। वहीं लवली आनंद की बात कहें तो वो कांग्रेस में ऑलरेडी शामिल हो चुकी हैं और अपने ही नहीं अपने पुत्र को भी शामिल करा लिया है। इसके साथ ही कांग्रेस में लगातार कई दलों से आने वाले लोगों की का सिलसिला जारी है। अगर पप्पू सिंह की बात करें तो पप्पू सिंह भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने के लिए एकदम अंतिम पायदान पर खड़े हैं। कीर्ति यादव भाजपा से कांग्रेस की तरफ रुख कर चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। इसके साथ अभी और भी कई लोग लाइन में खड़े हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। आज भी सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के सामने हम आपको बताते चलें कि अभी ऐसे कई नाम हैं जिसका दावा हमारे साथ बातचीत में, जी हाँ आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा कि हमारे एडिटर इन चीफ नमन मिश्रा के साथ बातचीत में मदन मोहन झा ने इस बात का दावा किया था कि बिहार के ऐसे बहुत सारे कद्दावर नेता हैं जो अपनी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होंगे। अगर बात राजीव प्रताप रूढ़ी की जाए तो चर्चा उनकी भी चली थी। इसके अलावे भी अभी और कई नेता हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की भी बात चल रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस का कभी भी दामन थाम सकते हैं। आज सदाकत आश्रम में मदन मोहन झा की उपस्थिति में पूर्व विधायक त्रिभुवन सिंह एवं खान अली कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारी घर वापसी है। काफ़ी दिनों से ये कांग्रेस से दूर थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 3 महीना पूर्व अपना प्रदर्शन किया था और विधानसभा के चुनाव में 3 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल किया था, उसे लेकर के बिहार कांग्रेस भी काफ़ी उत्साहित है। बिहार कांग्रेस में अभी कई ऐसे नेता हैं जिनके शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। देखने वाली बात यह होगी कि 3 मार्च को जो प्रस्तावित संकल्प रैली है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद कौन कौन से नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं। मदन मोहन झा का दावा जो उन्होंने हमारे एडिटर इन चीफ नमन मिश्रा के साथ किया था, उस दावे में जितना दम उन्होंने दिखाया था उसी की कड़ी में आज भी 2 नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। देखिए रामजी प्रसाद की रिपोर्ट में जब सदाकत आश्रम में इन नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली तो क्या कुछ कहा। सरकार बनाएगी और बिहार को एक अच्छी सेवा करने का मौका मिलेगा मदन मोहन झा की वजह से। ये मेरा भी दूसरा पोस्ट है, मेरे फादर भी एमएलए थे कांग्रेस के और मैं अभी युवा से मिल रहा है और मेरी पूरी आस्था है राहुल गांधी सोनिया गांधी पर और बिहार के नेतृत्व। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया। जय हिंद। क्यों आप पार्टी हम नहीं हो पाया तब इन्होंने आज ही सुबह आके बोले नहीं अब छोड़ दीजिए हम यही कर लेंगे, बहुत लेट हो रहा है पहले तो हम आप लोग तो अपने कष्ट भी जल्दी में आप लोग आए इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते बोले। घर वापसी हुई है, घर वापसी आपकी हुई है? घर वापसी हुई है, हम लोग 3 पीढ़ी से इस घर में हैं, 1 पीढ़ी से नहीं 3 पीढ़ी से, और इनकी भी 2 पीढ़ी से साथ हमारा संबंध रहा है।
इसलिए हम लोग जो घर वापसी किए हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग फौजी आदमी है, फौज में कैप्टन थे, जैसलमेर सेक्टर में हम लोग लड़ाई भी लड़े थे बांग्लादेश से, उसमें भी हम लोग, हमको सेना मेडल मिला था, उसके करने के बाद हम राजनीति में आए थे। बड़े बड़े उत्साह थे, चंद्रशेखर बाबू ने हम लोग को लाया था, इनके पिताजी के मार्गदर्शन में हम लोग काम किए थे कांग्रेस में। लेकिन नीतीश की क्या कहें, उनका कुछ मोह भंग हम लोग को पकड़ लिया और कुछ दिन के लिए उनके साथ चले गए। जब समता पार्टी अभी शुरुआत के दिन से बनी थी, उस समय से मैं उनका प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ। विगत 3 वर्षों से मैंने उनको जो है बाय बाय कर दिया कि नहीं, अब साथ नहीं निभाएगा, मैं पुराने जगह पर जाऊंगा और मैं फिर आकर के अपने बड़े भाई अपने मित्र से आकर के मिला हूं। और मैं इस बात का संकल्प लेता हूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को फिर हम लोग पुरानी वही स्थान देंगे जो इंदिरा गांधी के तुरंत था। मंच पर उपस्थित हमारे पुराने विधायक साथी त्रिभुवन बाबू, हमारे विधायक साथी खान अली साहब, ओवैस जी, मनीष जी, हमारे पूर्व मंत्री मिश्रा जी, एच के वर्मा जी, सुबोध जी, कमलदेव जी, मंदर जी, शर्मा जी, राजेश जी और हमारे पत्रकार बंधु और मीडिया कर्मी। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ और सूचना देने के लिए बुलाए हैं। जो हमारे साथ त्रिभुवन बाबू 5 साल तक पहले विधायक थे कांग्रेस पार्टी में, और कुछ कारणवश कुछ दिन हम लोग से विमुख हो गए थे, आज हम लोग के यहाँ पुनः वापस आए हैं। हम कांग्रेस ऑफिस किस कार्यालय में इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे खान अली साहब हैं, 2 बार विधायक भी जीते हैं गया से, और हमारे साथ भी विधायक रहे हैं, ये भी कुछ दिनों से हम लोग से विमुख थे। पुनः आज मैं सदाकत आश्रम में इस कांग्रेस परिवार में इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ओवैस अली जी हैं, ओवैस जी जहानाबाद से हैं और काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर मनीष जी हैं मेरे पीछे खड़े हैं, चिकित्सक भी हैं, मैं भी इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि जिस तरह से ये लोग पूर्व में कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं और आगे भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो लोगों का झुकाव बढ़ा है, उनकी विश्वसनीयता जो बढ़ी है, काफ़ी लोग हमारे हमसे संपर्क में हैं और पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये लोग भी कम से कम हमको लगता है 4 महीना से ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन ये लोग चाहते थे इनके जिला में जाके हम वहाँ पर मुख्यमंत्री जी आज वही उनके साथ हैं। अब बताएं जी कहाँ पर उनके पाकिस्तान कहने का तात्पर्य, हिंदुस्तान से क्या तात्पर्य है, उसका क्लियर और विराजी कर दें।
रैली में भीड़ जुटाने के लिए और कहना है कि जो लोग इसके समर्थक नहीं होते हैं वो पाकिस्तान के समर्थक हैं, बताइए ये कैसी बात है? उस समय बोले थे ना जब महागठबंधन अगर जीतती है, अमित शाह जी बोले तो पटाखा पाकिस्तान में फूटेगा, जो उनको चुनाव हराए उसी के साथ अभी सरकार चला रहे हैं, उनका तो समय के हिसाब से बयान आता है चर्चाओं बने रहने का, आका को खुश करने के लिए बयान देते हैं, खुश करने के लिए बयान देते हैं, लगता है कि अपना वो उनका शुरू से रहा है। मदन जी, जिस तरह अलगाववादियों पे कश्मीर में वर्तमान सरकार ने अंकुश लगाने का काम किया है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, सालों से उनको सुरक्षा और बाकी सारी सुविधाएं मिल रही थी आपके सरकार में, लेकिन अभी उस पर अंकुश लगाया गया है। देश के हित में जो भी निर्णय होगा हम लोग ने पहले ही कह दिया है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है जो अगर देश के हित में कोई भी निर्णय हो और आतंकवादी के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें हम लोग का पूरा समर्थन है। फिर से देखिए उन्होंने कि जो क्षेत्र में रहने वाले जो है साथ लेते हैं, फिर से भाग गई, आखिर ये क्यों भगाया जा रहा है, किसको बचाने की कोशिश है? नहीं, अभी तो मेरे जानकारी वो लोग फिर मिल गई है और मैं समझता हूँ जो लोग अगर उस बच्ची से जो इतना प्रताड़ित है अगर उससे पूछा जाए इस भगाने में किसका हाथ है तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जो उसमें कौन ऐसी शक्ति है जो सुरक्षा के नाम पर जहाँ पर रखा हो वो सुरक्षा का घेरा तोड़ के ही वैसे ही निकल गई बिना कोई तोड़ ताड़ किए हुए, इसका मतलब है किसी ने उसको भगाया। हम धन्यवाद देते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बरामद किया, जहाँ भी किया, हम लोगों को तो आशंका थी जो उसके साथ कहीं और दुर्घटना न हो जाए जो पहले हुआ है, कह जाए नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी बड़े लोगों का हाथ जो निश्चित रूप से हाथ हो, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर जब उसका सेंटर बदला गया उसके बाद भी पहले था गिर छोड़ के भागी वही बेहतर था। सीट आप लोग का फाइनल अब तक होगा कि नहीं, सीट आखिर चुनाव तक एक बीजेगा नहीं, अभी तो चुनाव में विलम्ब है। रैली का इंतजार कर रहे हैं आप लोग एनडीए की रैली? हाँ, हम लोग हैं, हम लोग दो के बाद इस पर फैसला लेंगे। माझी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ही परेशानी बढ़ी हुई है। पहले भी कहते थे कांग्रेस की वजह से कहीं परेशानी नहीं, कांग्रेस की वजह से कहीं कोई परेशानी नहीं है, कांग्रेस इसमें दृढ़ संकल्पित है कि हम लोग को महागठबंधन को मजबूत करना है, 40 सीट पर जीत दिलाना है, जब हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे तो सारा चीज का हल हो जाएगा। कब तक फैसला कर लेंगे, दो के बाद क्या होगा? हमको लगता है दो से पहले ही सब चीज क्लियर हो जाएगा, कौन कैंडिडेट में जो विलम्ब हो, सीट कौन कहाँ लड़ेंगे वो दो तक हो ही जाए। पहलवान भी तय होंगे? हम बताए ना जो सीट कैंडिडेट का नहीं होगा लेकिन सीट फाइनल हो जाएगा। संबर जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 संबर जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसा कि आपने सुना कि मदन मोहन झा ने अपना जलवा दिखाते हुए एक बार फिर से जदयू में बड़ी सेंधमारी की है, हालांकि इसे सेंधमारी नहीं घर वापसी कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही विधायक जो पूर्व विधायक थे वो कांग्रेस में पहले से भी कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। जहां तक बात खान साहब की है तो वो अपने पिता की मृत्यु के बाद 1983 में चुनाव जीते और 85 तक वो विधायक रहे। पुनः जब 85 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो गुरारू विधानसभा क्षेत्र जो गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है,
85 से लेकर 90 तक कांग्रेस के विधायक के रूप में उन्होंने बेहतर काम किया। उसके बाद वो निष्क्रिय हो गए थे और फिर उन्होंने घर वापसी किया है। वहीं बात त्रिभुवन प्रसाद की जाए तो वो भी 85 से लेकर 90 तक कांग्रेस के विधायक रहे हैं, वो भी काफ़ी प्रतिष्ठित जगह से, जीरादेई से। उसके बाद उन्होंने जदयू ज्वाइन कर लिया था और जदयू से उनकी मदन मोहन झा ने घर वापसी कराई है। जुड़े रहिए न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, हम आपको हर खबर से रखते हैं अपडेट। आप हमारे यूट्यूब चैनल भारत लाइव को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके हित मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें जरूर करवा दें और बेल आइकॉन दबा दें। आपका प्रेम स्नेह ऐसे ही बना रहे जिससे कि हमारे काम करने और खबरों को आप तक पहुंचाने का सिलसिला और भी तेजी से जारी रहे। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें।